बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5 पेज नंबर 125 एक्सरसाइज नंबर 7 है। पेज नंबर 127 क्वेश्चन नंबर 7 इज कैलकुलेट दीज रिफ्लेक्स एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। बेटा ये डिफरेंट रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, ठीक है। वहाँ रिफ्लेक्स एंगल्स आपको पता है 180 डिग्री से ग्रेटर होते हैं, ठीक है। आपने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए में देखिए जो एंगल बेटा आपको गिवन है, ठीक है, ये जो आपके पास ये जो हाफ सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है आपके पास, ठीक है, आपने इसको कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है, ये एंगल। अगर आप ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास ये एंगल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा सबसे पहले 360 डिग्री के एंगल को मैं आपको डिफाइन कर दूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन आपको पता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप डाउनवर्ड हाफ सर्कल लें तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अपवर्ड डाउनवर्ड ये दोनों हाफ सर्कल्स जो हैं ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर आपने फुल सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप 180 में 180 ऐड करेंगे, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तो ये 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो एक सर्कल है ये पूरा सर्कल ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये देखिए बेटा आपने एग्जैक्ट जो प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट है ये वाई पे रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ जीरो से इसको रीड करना स्टार्ट करें, जीरो की लाइन से आपने स्टार्ट करना है। आप जीरो की लाइन से स्टार्ट करेंगे बेटा तो ये जो सेकंड लाइन है आपके पास ये एग्जैक्ट 130 के साथ मैच कर रही है, ठीक है। आपने ये जो जीरो की लाइन रीड की है ये ऊपर वाली लाइन है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, 130 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखिए ये लाइन बिल्कुल 130 डिग्री के साथ मैच कर रही है, ठीक है। अब देखिए बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये किसके इक्वल है, 130 डिग्री के। आपको ये फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो आप सिंपल एक काम करें, आप जो फुल सर्कल है 360 डिग्री की जो इक्वल है फुल सर्कल, आप उसमें से 130 को माइनस कर दें तो आपके पास ये रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट हो जाएगा 230 डिग्री, ठीक है। ये कैलकुलेट हो जाएगा 230 डिग्री। अब बेटा बी पार्ट देखें, अगेन आपने ये जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल आपने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो एंगल है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखें अगेन आपने ये जो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है ये एस पे रखा है, एग्जैक्ट एस पे है, ठीक है। और आपने ये जो सेकंड ये जो भी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से आपने जीरो की लाइन से रीड करना है। और आप जीरो की लाइन से रीड करेंगे तो ये देखें ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट अपनी लाइन देखें, आपने जीरो से स्टार्ट किया और ये किसका एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेटा अभी आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से फाइंड आउट किया कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, ठीक है। तो ये जो फुल सर्कल आपके पास बनेगा, ये जो फुल सर्कल है ये किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। आपने उसमें से ये 30 डिग्री का एंगल क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट हो जाएगा 330 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये जो बाहर का ये जो भी एंगल है ये किसके इक्वल है, 330 डिग्री के, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल के लिए बेटा आपने सिंपल एक ही काम करना है, आपने 360 में से आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। अब ये सी पार्ट देखें, आपको पता है ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं तो ये किसके इक्वल होती है, 90 डिग्री के, ठीक है। आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से फाइंड करें या ना करें, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं ये 90 डिग्री के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप 360 ये जो फुल सर्कल का एंगल है इसमें से 90 को बेटा आप माइनस करें तो आपके पास ये रिफ्लेक्स एंगल 270 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट देखें डी पार्ट बेटा, अगेन आपने ये बाहर का ये जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल इसको फाइंड आउट करना है। ये देखिए बेटा आपने ये जो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है ये एक्जैक्ट बी पॉइंट पे रखना है। ये सी पॉइंट है, यहाँ से आप जीरो की लाइन रीड करेंगे, ठीक है। 180 वाली नहीं करनी, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप जीरो से जो लाइन स्टार्ट हो रही है आपने उसको रीड करना है, ठीक है। आप ये जीरो से स्टार्ट करें तो ये देखिए ये लाइन किसके साथ मैच कर रही है, 60 डिग्री के साथ मैच कर रही है, ठीक है। ये जीरो की लाइन में आपके पास एंगल क्या आ रहा है, 60 डिग्री। देखिए अब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री के इक्वल है, आपको बाहर का एंगल कैलकुलेट करना है। तो आप 360 में से 60 को माइनस करें तो आपके पास 300 डिग्री आ जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, ड्रॉ दीज रिफ्लेक्स एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर। अगेन आपने बेटा ये एंगल्स गिवन है, रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, इनको आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। ए पार्ट में देखें रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल का सिंबल है पी क्यू आर इज इक्वल टू 320 डिग्री, ठीक है। आपको ये रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करना है। Q सेंटर में है बेटा तो उसका मतलब है Q पे आपने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखना है, ठीक है। Q पॉइंट पे आपने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखना है। ए पार्ट में रिफ्लेक्स एंगल बेटा आपको गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 320 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल के लिए सबसे पहले आपने स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। और आपको पता है स्ट्रेट एंगल का ये मिड पॉइंट है, ये ऊपर हाफ सर्कल आपने ड्रॉ करना है और ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। बस आपने एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक स्टेप आपने करना है कि 180 डिग्री में आप कौन सी वैल्यू ऐड करें कि ये 320 डिग्री बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 180 डिग्री में 140 ऐड किया है तो ये 320 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब है 180 डिग्री की ये डाउन में, यानी कि डाउनवर्ड आपने 140 का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 180 डिग्री से जो ग्रेटर एंगल्स होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं।
ये देखिए बेटा, आपने ये प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट बिल्कुल इस मिड पॉइंट पे रखना है, ठीक है। और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है ज़ीरो से, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट करें, 140 देखें बेटा, ये 140 है, ठीक है। 140 पे बिकॉज इसकी लाइन की सीध में आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप पी पॉइंट का नाम दे दें, ठीक है। पी को आपने क्यू से ज्वाइन करना है, ठीक है बेटा। 180 डिग्री में आपने और कितना ऐड करना है, ठीक है। 180 डिग्री में और कितना ऐड करना है आपने, ये देखें, आपने 140 और ऐड करना है, ठीक है। तो 180 में 140 आपने ऐड किया, तो ये जो पूरा बेटा, ये जो ये जितना भी ये सर्कल बना आपके पास, ठीक है, ये किसके इक्वल है आपके पास, 320 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्या ड्रॉ हो गया है, रिफ्लेक्स एंगल। बी पार्ट में आपके पास रिफ्लेक्स एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 290 डिग्री। अगेन बेटा, आपने 290 डिग्री के लिए आपने एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करना है 180 डिग्री। एक्स मिड में है तो आपका जो मिड पॉइंट है वो एक्स होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 180 डिग्री में बेटा आप 110 ऐड करें, मजीद 110 का एंगल ऐड करें, तो तब आपके पास ये रिफ्लेक्स एंगल कंप्लीट होता है 290 डिग्री, ठीक है। 180 का तो एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है, और 180 के डाउनवर्ड आपने 110 का मजीद एक एक्स्ट्रा आपने एंगल ड्रॉ करना है, तो फिर ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल होते हैं 290 के, और ये दोनों एंगल्स मिल के आपके पास रिफ्लेक्स एंगल को कंप्लीट करते हैं। ये देखें, ये मिड पॉइंट एग्जैक्ट आप इस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे रखेंगे, जीरो से स्टार्ट करें, और ये 110 का एंगल है, ठीक है। 110 के बिल्कुल लाइन के सीधे आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है, पॉइंट को W कह दें, ठीक है। W का नेम दे दें, W को आपने X से ज्वाइन करना है। अब देखें बेटा, ये 180 डिग्री का एंगल था, और ये आगे मजीद आपने 110 का एंगल इसमें ऐड किया, ठीक है। तो ये पूरा एंगल, ये जो एंगल है, ये जो फॉर्म हुआ है, ये आपके पास इक्वल है 290 डिग्री के, ठीक है। ये पूरा एंगल 180 प्लस 110 290 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल आपके पास 290 डिग्री के इक्वल है, W X Y। सी पार्ट में एंगल गिवन है, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 335 डिग्री। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। 180 डिग्री में मजीद कौन सा एंगल आपने ऐड करना है, 155 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये इक्वल होता है 335 डिग्री के। ये देखें, आपने एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखना है, ठीक है। जीरो से बेटा स्टार्ट करें, ये जीरो, ये जो अंदर वाली लाइन है, इसको आपने रीड करना है, ठीक है। अब 155, तो 155, 150 और 160 के मिड में होता है। 150 और 160 की ये जो बेटा, ये मिड में जो लाइन है, यहाँ पे 155 है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आप एक पॉइंट को मार्क करें, डी मिड में था, तो अब मिड पॉइंट आपका डी है, ठीक है। इस पॉइंट को आप सी पॉइंट का नेम दे दें, सी को डी से आप ज्वाइन करें। ये देखें, सी को डी से आपने ज्वाइन किया, ये 180 डिग्री था बेटा, इसमें मजीद आपने कौन सा एंगल ऐड किया है, 155 डिग्री का, और ये दोनों एंगल्स कंबाइन होके, यानी कि ये 180 डिग्री और 155, ये दोनों कंबाइन होके बेटा ये रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म करते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल क्या है आपके पास, 350 डिग्री, ठीक है। सी डी, और ये पॉइंट आप इसको नेम दे दें ई का। लास्ट डी पार्ट देखिए बेटा, एंगल ए बी सी 200 के इक्वल है। 180 में आप 20 का एंगल ऐड करें तो 200 डिग्री आता है। अगेन सबसे पहले स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करें, ठीक है। स्ट्रेट एंगल के डाउनवर्ड आपने 20 का एंगल ड्रॉ करना है। बेटा बी सेंटर में है, बी मिड पॉइंट है, तो बी आप मिड पॉइंट को बी का ये देखिए नेम देंगे, और इस मिड पॉइंट पे आपने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखना है, ठीक है। अब आप जीरो से बेटा स्टार्ट करें, और ये 20 का एंगल है, 20 की लाइन के सीधे आपने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। इस पॉइंट को ए पॉइंट का नेम दें, ए को बी से आपने ज्वाइन करना है। अब देखें बेटा, ये 180 डिग्री का एंगल था, मजीद आपने इसमें कौन सा एंगल ऐड किया है, 20 डिग्री का, ठीक है। अब देखें, ये जो यहाँ से ये जो बेस लाइन है, यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पूरा एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल्स कंबाइन होके, ये दोनों एंगल्स जब कंबाइन होंगे बेटा, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, और ये किसके इक्वल है आपके पास, 200 डिग्री के, ठीक है। यानी कि 180 और 20, ये दोनों एंगल्स ऐड होंगे, कंबाइन होंगे, तो आपके पास 200 का एंगल फॉर्म हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्स एंगल आपके पास, ये एंगल आपके पास है ए बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। ए बी सी, ये आपने नीट कॉपी पे कंप्लीट करना है।